निर्भर करता है तो लगने वाला बल कितना होगा, मतलब उसका एक्सप्रेशन निकालना है, फॉर्मूला निकालना है। फोर्स ऑन ए पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट किस पे कर रहा है, मास ऑफ द पार्टिकल। सेकंड कर रहा है ये एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स। सवाल को करते हैं, फोर्स का क्या एक्सप्रेशन आने वाला है। सबसे पहले शुरू करते हैं अपन सवाल को। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारा जो एफ है वो प्रोपोर्शनल है किसके, किस पर डिपेंड कर रहा है, पहले ये बात करते हैं। लगने वाला जो बल है वो किस पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पर। फोर्स किस पर डिपेंड करता है, मास पर, मतलब एम पर। एफ प्रोपोर्शनल टू एम हो गया, इक्वेशन नंबर एक हो गई, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जो एम फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है एक्सीलरेशन पर, मतलब त्वरण पर, एफ एक्सीलरेशन ए हो गया। दोनों इक्वेशन को अपन मर्ज कर देंगे, F प्रोपोर्शनल टू एम ए, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। काम नहीं हुआ हमारा अभी, हमने कहा F, या कॉन्स्टेंट लगाया मैंने K और ये हो गया एम ए। अब ये जो M है इसको लिख लो यहाँ X और यहाँ लिख लो Y, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या क्या पता है, मुझे फोर्स का डायमेंशन पता है m1 l1 t-2, मास का डायमेंशन फॉर्मूला पता है m का, ये हो जाएगा m1, a का एक्सेलेरेशन का l1 t-2। चलो चलते हैं, यहाँ वैल्यू पुट करनी है आपको और निकालते हैं। देखो f का मैंने रखा m1 l1 t-2 इक्वल टू k, यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ आते हैं m पर, k कॉन्स्टेंट है, भी बाद में बात करेंगे इसके बारे में। k इक्वल टू मैंने कर दिया, लो k इक्वल टू कितना कर दिया, 1 कर दिया। ये कैसे आता है, ये आता है अपने पास लेबोरेटरी से प्रैक्टिकली वैल्यू है, प्रैक्टिकल वैल्यू। इसका हमें कुछ नहीं पता होता, इसका आपको मतलब भी नहीं है। m मास है, मास का डायमेंशन कितना, m1, तो यहां लगाया मैंने x। a का कितना होता है l1 t-2, क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा mx ly t-2y, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये ly हो गया, t-2y हो गया, यहां हो गया m1 l1 t-2, कोई परेशानी नहीं। यहां देखो, अब अपन को बेस लेना है, यहां m है, यहां m है, उठाओ m=1 = m = x, मतलब क्या हो जाएगा x=1। इस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि अपन ने उसको पुट करना है। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, दोनों को मर्ज कर दिया, न्यू इक्वेशन बनी हमारे पास। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है m की और a की। वैल्यू मैंने पुट की यहां पर, x=1 आया। अब इधर आ जाओ, नेक्स्ट आ रहा है l1 = ly, मतलब l1 = ly, मतलब इसका बेस इक्वल है, मतलब y = हो जाएगा बच्चों 1। थर्ड कह रहा है अपने पास t = t-2y = t-2, तो t-2 = t-2y, मतलब -2 = -2y, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, मतलब y = कितना आ गया, 1 आ गया। ये लो, मतलब y = ऊपर ही बना रहा है, y = नीचे भी बना रहा है। अब इन सब की वैल्यू कहां पुट कर दोगे आप, यहां पुट कर देना इक्वेशन नंबर 4 में। तो क्या बनने वाला है, f = k की वैल्यू मैंने 1 कर दी, मास, x वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो फॉर्मूला आ गया f = ma।
ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, अपन को जो डिपेंडेंस है उसको लिख लेना है, एफ प्रोपोर्शनल टू एम, एफ प्रोपोर्शनल कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा बच्चों। इक्वेशन दो आ जाएंगी, तीन भी हो सकती है, अभी तीन वाला क्वेश्चन कराएंगे आपको, तीनों को मर्ज कर दो फिर कॉन्स्टेंट लगा दो, कॉन्स्टेंट कुछ परमानेंट वैल्यू अपन को है उससे अपन कोई मतलब नहीं है, इनका सबका डायमेंशन फॉर्मूला पता है, अपन आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, टाइम पीरियड ऑफ SHM टी, टाइम पीरियड ऑफ SHM टी इज डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ द पेंडुलम मतलब बोले तो एल, मास ऑफ द बोब, मास ऑफ द बोब जो आपका पेंडुलम है उसका जो बोब है उसके मास पर, मतलब इस पर डिपेंड करता है, ये एम पर भी डिपेंड करता है। एंड एक्सीलरेशन ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी मतलब बोले तो जी पर भी डिपेंड करता है। फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ टी, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ टी, इस टी का एक्सप्रेशन निकालना है अपन को। हम कहते हैं कि एक पेंडुलम का सरल आवर्त गति, एक सरल आवर्त गति पेंडुलम करता हुआ, सरल आवर्त गति करते हुए पेंडुलम का आवर्तकाल क्या है, टी किस में निर्भर करता है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम की लंबाई, लंबाई मतलब मैंने कहा एल, उस पेंडुलम का जो द्रव्यमान है उस पर, पेंडुलम के द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब किस पर, एम पर, कोमा गुरुत्वीय त्वरण जी पर, गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है, तो टी, टी बोले तो कैपिटल टी मतलब समय आवर्तकाल, टी क्या होगा, मतलब से सूत्र क्या होगा, सवाल करना शुरू करते हैं। देखो सवाल पढ़ते हैं पहले, सवाल यह कह रहा है, ये कह रहा है कि जो टी है वो डिपेंड करता है तीन चीज़ों के ऊपर, किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, ये एल के ऊपर डिपेंड करता है, एम के ऊपर डिपेंड करता है, जी के ऊपर डिपेंड करता है। और हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि कैसे डिपेंड क्या है, तो अगर बात करें अपन क्वेश्चन की सॉल्यूशन की बात करते हैं, जो टी है वो डिपेंड कर रहा है एल पर, इक्वेशन नंबर एक हो गया, टी डिपेंड करता है मास पर, इक्वेशन नंबर टू हुआ, टी डिपेंड करता है जी पर, इक्वेशन नंबर तीन हो गया। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि सर टी प्रोपोर्शनल टू एम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसको ले लो, फर्क क्या पड़ रहा है, ये पहले आ जाएगा सेकंड आ जाएगा, अब इन तीनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा टी प्रोपोर्शनल टू एल एम जी, इसको कर दिया मैंने ए, ये एक्स वाई और जेड, टी प्रोपोर्शनल टू लगा दिया, यहाँ पर मैंने के लगा दिया, क्या फर्क पड़ रहा है, ये एल एक्स एम वाई जी जेड। अब के का हमें कुछ नहीं पता है, हमें टी टाइम, देखो अभी इसका डायमेंशन पता होना जरूरी है, एल क्या है लेंथ इसका होता है एल वन, एम क्या होता है मास इसका होगा एम वन, और जी जो होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इसका होता है एल वन टी माइनस टू, जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है ये होता है एल वन टी माइनस टू, तो सबका पता है, तो रख देते हैं यहाँ कितना आएगा
टी का होता है एम जीरो एल जीरो टी जीरो, सॉरी टी वन आएगा क्यों, टी तो है इसके पास में। यहाँ इसकी बात करते हैं, एल का होगा एल वन और ऊपर हो जाएगा एक्स, इसका होगा एम वन और ये हो गया बाई, जी का हो जाएगा एल वन टी माइनस टू, तो क्या हो जाएगा ये जेड हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा एम जीरो एल जीरो टी वन, नो प्रॉब्लम। ये देखो पहले एम वाला टर्म आगे ले लेते हैं तो एम वाला आगे आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ आपको एम को आगे लो, इसको आगे लो, यहाँ देखो ये वाई क्यूब निकल के आ जाएगी हमारे पास में। फर्क इतना ही पड़ता है कि यहाँ पर अपन जो लगाते हैं ना, जैसे मैंने एल बोला है यहाँ पर, एल के ऊपर एक्स लगाया, एम के ऊपर वाई लगाया, अब देखो यहाँ पर एल क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। एम वाई हो जाएगा और ये देखो ये हो जाएगा एल जेड टी माइनस टू जेड। अभी धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। यहां देखें ये एल एक्स भी है और एल जेड भी है, दो हैं। एम अकेला है मेरे पास में, तो लिख सकते हैं इसको एम जीरो एल जीरो टी वन इक्वल टू, यहां आया एम वाई और L आया मेरे पास में एल एक्स प्लस जेड और T आया मेरे पास टू जेड। चलो वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मुझे पता है अकेला जो है उसको निकालते हैं, यहाँ पर M है यहाँ M है, तो M जीरो इक्वल टू एम वाई, तो मेरे पास Y इक्वल टू कितना हो गया जीरो, Y इक्वल टू हो गया जीरो। इसी क्वेश्चन को वापस जाते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर डाल देते हैं। अब देखते हैं टी वाला टर्म क्या है, टी इक्वल टू है वन और टी इक्वल टू माइनस टू जेड, मतलब मैं लिख सकता हूँ वन इक्वल टू माइनस टू जेड। इसको नीचे भेज दूँ तो जेड इक्वल टू हो जाएगा माइनस का वन बाई टू, कोई परेशानी नहीं है। अब क्या निकालना है आपको, एल निकालना है। एल इक्वल टू में क्या होता है, एल होता है एक्स प्लस जेड, कोई दिक्कत नहीं। देखो वाई निकल के आ गया और ऐसे क्या निकालना है अपन को, एक्स निकालना है, तो चलते हैं। देखो एल जीरो एल एक्स प्लस जेड, जीरो इक्वल टू एक्स प्लस जेड, यहाँ जेड की वैल्यू माइनस वन बाई टू है, तो यहाँ इसको रखते हैं जीरो इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन टू, इसको उधर भेज दूँ वन अपॉन टू इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन अपॉन टू। अब चलते हैं फॉर्मूले पर, इक्वेशन नंबर फोर क्या कहता है। देखो फोर में आप देखो t इक्वल टू k को मैंने वन मान लेता हूँ, चलो k को कुछ नहीं मानता, k को ऐसे रख दिया लो, चलो l l लगाया, पावर कितना आ रहा है इसके ऊपर x, x की वैल्यू कितनी है देखो एक बार चेक करते हैं, x कितना आ रहा है, x आ रहा है वन बाई टू, किस में आ रहा है माइनस वन बाई टू, कितना आ रहा है माइनस वन बाई टू। दूसरे चेक करते हैं अपने, यस x की वैल्यू कितना है हमारे पास में माइनस वन बाई टू आ रहा है, बहुत बढ़िया। बाई की वैल्यू कितनी आ रही है एम का, एम कितना है हमारे पास बाई है, बाई की वैल्यू कितने आ रहा है जीरो। थर्ड निकालते हैं टी, सॉरी जी, जी कितना, जी पावर कितना आ रहा है जेड, जेड बोले तो कितना आ रहा है वन बाई टू माइनस में, सॉरी एक्स आपके पास प्लस बाई, सॉरी एक्स कितना आ रहा है वन बाई टू आ रहा है प्लस में और जी आ रहा है माइनस वन बाई टू। चलो चलते हैं, अब देखो ये जो टी है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, मास पे डिपेंड नहीं करता, इसको तो हटा देंगे, मतलब अपन लिख सकते हैं टी इक्वल टू के एल वन बाई टू और जी वन बाई टू। अब वन बाई टू क्या लिखते हैं, रूट लिखते हैं अपन, लेकिन जी जो है वो किस में है माइनस, तो नीचे आ जाएगा टी इक्वल टू के एल वन अपॉन टू और जी वन अपॉन टू, बराबर कहानी है। थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं अपन, एल वन अपॉन टू और जी हो जाएगा वन अपॉन टू इक्वल टू के, तो ऐसा रहने वाला है, इसको मैं लिखा एल को रूट में और जी को रूट में, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ जो के है इसकी वैल्यू होती है टू पाई, कितनी होगी इसकी टू पाई, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी टी इक्वल टू टू पाई अंडर द रूट एल अपॉन जी, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन हुआ। अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर क्वेश्चन आता दिमाग में, बिल्कुल आएगा कि सर एम को यहाँ ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यार, एम मास ही तो रहेगा, यहाँ ले आओगे तो कुछ चेंज तो नहीं हो जाएगा ना।
जी को आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सीरीज में दिए हुआ है तो अच्छी बात है, लिख दो आप। अगर आप चेंज करना चाहो चेंज करके भी आपका आंसर निकलेगा तो भी सही निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है, ए सेंट्रीपिटल फोर्स इज डिपेंड अपॉन अपॉन मास ऑफ द बॉडी। देखो किस पे डिपेंड करता है, पहली बात मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी मतलब एम पर डिपेंड करता है। सर्कल ऑफ द रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, जो सर्कल है उसकी रेडियस मतलब आर पर डिपेंड करता है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, जो पार्टिकल चल रहे हैं उसकी वेलोसिटी पे, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ एफ, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ एफ, एफ का एक्सप्रेशन निकालना है। अगर इस क्वेश्चन को हिंदी में लिखा जाए तो हिंदी में समझा देता हूँ कि जो लगने वाला अभिकेंद्रीय बल है वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है द्रव्यमान एम पर। लगने वाला जो बल है वो डिपेंड करता है द्रव्यमान एम पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने इसको बना दिया है बच्चों। दूसरी बात, लगने वाला जो बल है वो डिपेंड करता है रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब जैसे मान लो अभी केंद्रीय बल क्या होता है, आगे पढ़ोगे आप, एक बॉडी ऐसे गोल गोल घूम रही है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाती है, तो ये जो रेडियस है इस पर डिपेंड करता है, ये जो मास एम है इसके ऊपर डिपेंड करता है, और ये जो मास एम है और ये जो चल रहा है इसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो वो तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, एम पर, आर पर और वी पर। आर पर डिपेंड कर रहा है इक्वेशन नंबर सेकंड, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है इक्वेशन नंबर थर्ड। मैंने तीनों इक्वेशन को एक साथ कर लिया है, अब अपन चलते हैं आगे। तीनों को साथ में करेंगे तो एफ प्रोपोर्शनल टू एम, चलो आर भी कर देते हैं, आर भी कर दिया, चलो कोई बात नहीं, एम भी आर होता है हालांकि, एम आर भी। मैंने आपको बताया अपन किसी भी इक्वेशन को पहले रखें कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, ये ए बी सी, एफ इक्वल टू के एम ए आर बी वी सी। हमको डायमेंशन पता होना चाहिए, एफ का डायमेंशन होता है एम वन एल वन टी माइनस टू, के का डायमेंशन कुछ नहीं रखना है क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। एम की बात करते हैं, एम यहाँ पर मास है, मास का हो जाएगा एम वन, और ऊपर रखा हुआ है ए, आर रेडियस का हो जाएगा एल वन, ये हो जाएगा बी, और वी वेलोसिटी का होता है एल वन टी माइनस वन, ये हो जाएगा सी। तो वैल्यू निकालते हैं यहाँ ए की, सॉरी यहाँ पर अपन एक्स वाई जेड करेंगे, एक्स वाई जेड, तो ये हो जाएगा एम एक्स एल वाई, यहाँ से एल जेड, और हो जाएगा टी माइनस जेड। तो m दो बार आ गया, ये वापस रख लो, m1 l1 t माइनस टू, m1 l1 t माइनस टू, ये m x है, l यहाँ भी है, l यहाँ भी है, तो l का पावर यहाँ कितना है, y यहाँ है, z दोनों रख लो, t माइनस z। तो m के ऊपर पावर सेम कर लेते हैं, अगर मैं करता हूँ m1 इक्वल टू एम एक्स, तो बच्चों x इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, चलो ठीक है। अब z निकाल लेते हैं क्योंकि इसमें तो दो दिए हुए हैं, यहाँ पर l y प्लस z दिया हुआ है, तो हमें ना तो y पता है ना z पता है, पहले z पता कर लेते हैं फिर y निकालना आसान हो जाएगा, तो पहले इसको निकाल देते हैं, t माइनस टू इक्वल टू टी माइनस जेड, दोनों में नीचे t है, माइनस टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का जेड ये कैंसिल हो गया, जेड इक्वल टू आया टू, मतलब जेड इक्वल टू आया टू और एक्स इक्वल टू आया वन। अब निकालना आसान हो जाएगा वाई,
अब यहाँ देखो ये एल वाई प्लस जेड है और यहाँ पर एल वन है, तो एल वन एल वाई प्लस जेड मतलब वन इक्वल टू वाई प्लस जेड। क्या आपके पास जेड का मान है, वैल्यू है, तो रखो टू, तो वन इक्वल टू वाई प्लस टू। इसको उधर भेज दूँ वन माइनस, भाई आपके पास किसकी वैल्यू दी हुई है, देखो ये वन है, यहाँ पर वाई प्लस जेड है, तो वाई प्लस जेड इक्वल टू वन हो जाएगा, जेड इक्वल टू हो जाएगा, इसको उधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई, मतलब ये हो गया माइनस का वन। अब हमारे पास वैल्यू पुट करनी है हमको, इसको वापस देखते हैं, इक्वेशन नंबर फोर दे देते हैं, चलो वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं बच्चों। एफ तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सप्रेशन आ जाएगा, के इक्वल टू मैं मान लेता हूं, यहां पर के ही रख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एम यहां भी अपन को एक्स बाई जेड करना पड़ेगा, क्योंकि जो वेरिएबल है वो एक्स बाई जेड है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। एम के ऊपर एक्स है, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो तीन वैल्यू आ रही है, यहां वाई की वैल्यू पुट कर दो, वाई इक्वल टू माइनस वन, एक्स वन आ रहा है तो यहां लिख लो वन। अगला वाला है आर, आर के ऊपर है वाई, वाई कितना आ रहा है माइनस वन, ये लो माइनस वन। नेक्स्ट है अपने पास वी वेलोसिटी, इसके ऊपर क्या है पावर में जेड, तो जेड कितना आ रहा है टू आ रहा है, ये लो। अब मैंने कहा माइनस इसकी पावर होती है, उसको नीचे ले आएंगे प्लस में हो जाएगा, तो इजी और कर लेते हैं, एम हो गया, ये आर नीचे आ जाएगा, पावर वन पावर वन, इसका पावर टू लिखा हुआ है, इसको मैं के को वन मान लेता हूं एज ए प्रैक्टिकल वैल्यू, तो एफ इक्वल टू ये आ जाएगा एम, ये आ जाएगा वी स्क्वायर और ये आ जाएगा आर, मतलब ये वाला फॉर्मूला हमारा फाइनल फॉर्मूला हुआ बच्चों। ये वाला जो फॉर्मूला है फाइनल फॉर्मूला है एफ इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों, क्वेश्चन जो है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, कोई भी वायर जो होता है वो वाइब्रेट कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी एन है, वो डिपेंड करती है लेंथ ऑफ द वायर, किस पर, एल पर डिपेंड करती है, एल यहाँ पर लेंथ हो जाएगी लंबाई, मतलब एक तार के कंपनों की आवृत्ति एन जो है तार की लंबाई एल पर निर्भर करती है, तनाव बल टी पर निर्भर करता है, द्रव्यमान एम पर, टेंशन फोर्स टी पर डिपेंड करता है और मास एम पर डिपेंड करता है, तीन चीजों पर डिपेंड करता है, तीनों को मर्ज कर लेते हैं और बनाते हैं यहाँ से एन प्रोपोर्शनल टू एल टी एम, यहाँ लगाओ एक्स, ये वाई और ये जेड, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा के आ जाएगा, यहाँ एल आया टी आया और क्या आ जाएगा एम आ जाएगा, के एल टी एम, पावर लगाओ एक्स वाई जेड। सबसे पहले एल की बात कर लेते हैं, इसका डायमेंशन फॉर्मूला पता है अपन को, टी की बात करते हैं, टी टेंशन फोर्स होता है और इसका डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा, विमीय सूत्र वही होगा जो फोर्स का होता है। एम यहाँ पर, एम का थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, स्मॉल एम जो है मास पर यूनिट लेंथ है, कैपिटल एम अपॉन एल है ये, मतलब इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा एम वन एल वन, तो तीनों का हमें पता है, इसको लिख सकते हैं एम वन एल माइनस वन, तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला हमको पता लग गया यहाँ से। अब अपन वैल्यू पुट करेंगे इसमें, इस इक्वेशन को नाम दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको फर्स्ट बोला, सेकंड, थर्ड, ये हो जाएगा फोर्थ। चलो आगे चलते हैं, यहाँ एन जो है वो फ्रीक्वेंसी है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू होता है टी माइनस वन, क्योंकि एन इक्वल टू होता है वन अपॉन टी, टी ऊपर चला जाएगा इनवर्स में आ जाएगा, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन, यहाँ आया हमारे पास में के, के को नहीं छेड़ना है, बात करेंगे एल की, एल का हो जाएगा कितना, देखो एल वन, ये हो गया एक्स, के यहाँ रख दो, टी का कितना है हमारे पास टेंशन फोर्स का एम वन एल वन टी माइनस टू, और यहाँ इसका कितना हो जाएगा वाई लगा देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एम की, ये जो आप एम देख रहे हो मास, इसका सॉरी ये मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है, तो इसका हो जाएगा एम वन एल माइनस वन, और यहां क्या लगा दोगे आप, जेड लगा दोगे, एल
एक्स एम वाई एल वाई टी माइनस टू जेड एम जेड एल माइनस जेड। अब m एक तरफ कर देते हैं, l एक तरफ कर देते हैं, जेड एक तरफ कर देते हैं। यहाँ ये हुआ है आपका k कॉन्स्टेंट m जीरो l जीरो t माइनस वन। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। m एक तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा m, या k m मतलब कितना, एक और एक दो, ये y प्लस जेड। अब l में क्या क्या आ रहा है, l में रखो एक बार, l आ रहा है हमारे पास एल एक्स एल वाई और एल माइनस जेड। एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस का है, वाई प्लस का है और जेड माइनस का है। अब निकालो टी की फॉर्म में, टी कितना है माइनस टू वाई। यहां रख दो एम जीरो एच टी जा जाएगा एल जीरो टी माइनस वन। अब इंपॉर्टेंट बात करेंगे अपन, एम के ऊपर है वाई प्लस जेड और वहां पर जीरो है, m की पावर जीरो, m की पावर है यहाँ पर y प्लस जेड, मतलब मैं कह सकता हूँ कि y प्लस जेड इक्वल टू जीरो। कोई मतलब नहीं है सॉल्व करने से, एक वाला निकालेंगे पहले तो अपन, इसी क्वेश्चन को याद रखेंगे अपन, चलेंगे आगे। अब यहाँ देखो, यहाँ तीन दिए हुए मतलब नहीं है, यहाँ निकाल देते हैं t माइनस टू बाई इक्वल टू टी माइनस वन, टी माइनस वन इक्वल टू टी माइनस टू बाई, मतलब अपन लिख सकते हैं कि माइनस वन इक्वल टू माइनस टू वाई, ये कैंसिल हो गया, वन अपॉन टू इक्वल टू आया वाई की वैल्यू। तो वन अपॉन टू कितना आया, वाई आया, इसको उठा के ऊपर रखो जेड की वैल्यू आ जाएगी, वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई, वन अपॉन टू प्लस जेड इक्वल टू जीरो, इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, जेड इक्वल टू आ जाएगा माइनस का वन वाई टू। तो क्या क्या आ चुका है हमारे पास, हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है, हमारे पास z की वैल्यू आ चुकी है, हम निकालेंगे x की। सर x की कहाँ से निकालेंगे, इससे निकाल देंगे, एल जीरो इक्वल टू एल एक्स प्लस वाई माइनस जेड। तो जीरो इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड, एक्स की वैल्यू कितनी है नहीं है पता करना है, वाई की कितना है वन वाई टू, जेड का कितना है माइनस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वन वाई टू प्लस का x इक्वल टू जीरो। इसको इधर भेज दूँ, इसको इधर भेज देता हूँ, क्या करना है माइनस एक्स इक्वल टू वन वाई टू कितना हो जाएगा वन, x इक्वल टू इसको इधर भेज देंगे ट्रांसफर माइनस का वन हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आया माइनस का वन। अब तीनों की वैल्यू पुट करेंगे अपन इक्वेशन नंबर फोर में, तो क्या कहता है इक्वेशन नंबर फोर, n इक्वल टू k कॉन्स्टेंट l, l के ऊपर है x और x की वैल्यू है माइनस वन, टी टी के ऊपर है y, y की वैल्यू कितनी है माइनस वन वाई, टी वाई की वैल्यू वन वाई टू, एम एम ऊपर z, z की पावर है माइनस का वन वाई टू, माइनस वाले को नीचे भेज दो, l की पावर माइनस वन इसको भी नीचे भेज सकते हैं अपन, टी का वन वाई टू हो जाएगा, इसको नीचे भेजेंगे l वन हो जाएगा, इसको नीचे भेजेंगे m वन वाई टू हो जाएगा। और सॉल्व करते हैं इसको, k यहाँ पर आ गया, इसको नीचे निकाल दो वन, ये भी रूट में है ये भी रूट में है। अब k की जो वैल्यू वो कितना हो जाएगा वन बाई टू, k कितना हो जाएगा सॉरी टू पाई, कितना हो जाएगा टू पाई। तो n यहाँ पर आया, यहाँ आया टू पाई, ये वन अपॉन l अंडर द रूट t अपॉन m। तो देखो n l पे भी डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है, m पे डिपेंड कर रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे सामने बच्चों। एनर्जी ई ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम, एक मान लो मेरे पास एक पेंडुलम है और उस पेंडुलम में ये जो बॉब है इसका मास एम है और इस हाइट तक जाता है, इस हाइट तक अप्रोच करता है, वापस ये नीचे आता है अपनी मेन पोजीशन पे, वापस फिर अपने मैक्सिमम हाइट पर जाता है, वापस अपनी मेन पोजीशन पर आता है। ऐसा पेंडुलम का जब मोशन होता है तब हमें पता लगता है, इसको बोलते हैं एस एच एम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। पार्टिकल ऑफ मास, सबसे पहले कह रहा है एनर्जी जो ई है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, एम के ऊपर, मास के ऊपर। इसका पावर मैंने एक्स लगा दिया है, एक्सक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एस एच एम विद एम्पलीट्यूड, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इसके एम्पलीट्यूड पे, इसको मैंने वाई कहा।
एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर जो फ्रीक्वेंसी है व्हाट इज ए, ए क्या होता है, इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ तक जाता है, इसको ए बोलते हैं, ए इज ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ए लिख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जब ये मोशन करता है तब इसके अंदर एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो आती है वो होती है ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आती है। तो ये जो एनर्जी है वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है, मास पर, एम्पलीट्यूड पर और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये जेड कहा मैंने इसको, इनका डायमेंशन पढ़ लेते हैं, एम मास होता है, मास ऑफ द अबोव अपन लिख सकते हैं, मास ऑफ द अबोव, डायमेंशन फॉर्मूला सबका पता है अपन को, इसका होता है मास का एम वन, इसका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट का होता है एल वन और इसका हो जाएगा टी माइनस वन। अब हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा फॉर्मूला निकालना है जो एनर्जी की फॉर्म में है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों को मर्ज करने के लिए कहा तो ई प्रोपोर्शनल टू आया एम ए ओमेगा एक्स वाई जेड, ई इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल हटेगा, कॉन्स्टेंट आ गया के, अपन लिख सकते हैं एम एक्स ए वाई ओमेगा जेड, तीनों का डायमेंशन पुट करते हैं और एनर्जी की फॉर्म में निकालते हैं। एनर्जी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो बता देता हूँ, होता है हमारे पास में एम वन एल टू टी माइनस टू, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, पहले इसका निकाल देते हैं एम एक्स की, एम का मान, एम जो है उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है एम वन और ऊपर एक्स हो जाएगा एम एक्स, ए का होता है एल वन तो ऊपर वाई तो क्या हो जाएगा एल वाई, ओमेगा का होता है टी माइनस जेड, क्योंकि यहाँ पर वन आएगा माइनस में और क्या हो जाएगा हमारे पास में माइनस जेड। अब यहाँ ई की बात कर लेते हैं, इसका होता है एम वन एल टू टी माइनस टू इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट क्या आ जाएगा, अभी देखो के के बारे में बात नहीं करेंगे, के जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से निकलने वाली वैल्यू है एम एक्स एल वाई टी माइनस जेड। अब बात ये आती है कि हमारे पास यहाँ अगर बात करते हैं ओमेगा की, ओमेगा होता है टी माइनस वन तो माइनस वन का मल्टीप्लाई जब जेड से करेंगे तो कितना आ जाएगा टी माइनस जेड आ जाएगा, यहाँ सेम रखते हैं एम यहाँ वन है इसको लेकर आते हैं एम एक्स हो गया, वन इक्वल टू एम एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों एक्स इक्वल टू आया वन, यहां देखते हैं एल टू, एल टू इक्वल टू एल वाई तो वाई की बच्चों वैल्यू कितनी आ गई टू आ गई तो एक्स और वाई निकल के अब जेड भी निकाल देते हैं यहां से, टी माइनस टू इक्वल टू टी माइनस जेड, टी माइनस टू इक्वल टू टी माइनस जेड तो माइनस टू इक्वल टू माइनस जेड तो जेड इक्वल टू हो जाएगा टू, तो हमारे पास एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू आ गई, हम रखते हैं इक्वेशन नंबर इसमें रख देते हैं इक्वेशन नंबर फोर में, पुटिंग द वैल्यू एक्स वाई जेड इन इक्वेशन फोर्थ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एक्स कोमा वाई कोमा जेड इन इक्वेशन फोर, ये जो इक्वेशन फोर है इसे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर ई जो है वो कितना आ जाएगा, ई को ऐसे रहने दो के अभी कॉन्स्टेंट है इसको बताने वाला हूँ मैं, यहाँ एम के ऊपर क्या पावर लग जाएगा एक्स की वैल्यू कितनी है वन तो यहाँ वन आ जाएगा, ए के ऊपर ए यहाँ ए लिखेंगे, वाई का जो पावर है वो कितना है टू, ओमेगा जे ओमेगा के ऊपर जेड लगा हुआ है पावर जेड है तो जेड की वैल्यू कितनी है टू, तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बनेगा E इक्वल टू k की वैल्यू जो है वो हो जाएगी वन अपॉन टू एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आया है एनर्जी की फॉर्म में। देखो ये बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, मैं आपको जब हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब लास्ट में चैप्टर के हर लास्ट चैप्टर के लास्ट में आपको एक पीडीएफ पेपर मिलेगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, उसको आप सॉल्व करना आपको मजा आएगा। पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें एनर्जी जो है वो दूसरे फॉर्मूले में निकलेगी, पहला वाला जो फॉर्मूला था उसमें अलग क्वेश्चन था लेकिन उसका फॉर्मेट सेम ऐसा ही था। देखें
अब देखें इसमें हमारे पास है इफ फोर्स जो है वो एफ एंड वेलोसिटी वी टाइम टी आर फिजिकल क्वांटिटी, सब फिजिकल क्वांटिटी हैं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, मतलब हमें एनर्जी की डायमेंशन पूछ रहा है, मतलब एनर्जी की डायमेंशन किसकी फॉर्म में पूछ रहा है बच्चों, ध्यान देना, बल फोर्स की फॉर्म में, वेलोसिटी वेग की फॉर्म में, समय के फॉर्म में, समय बल और वेग के रूप में हमें ऊर्जा जो है एनर्जी जो है उसका विमीय सूत्र पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें वही कहानी दोहरानी पड़ेगी जो हम दोहराते हैं हर बार, तो मैं शुरू करता हूँ इसका सोल्यूशन। ऐसा क्वेश्चन आपको ऑप्शन में मिल सकता है, नीट में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, हमको आना चाहिए ऐसा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसमें रिलेशन चेंज हो जाता है थोड़ा सा। जैसे बात करते हैं ई, तो ई सबसे पहले डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर, इसको एक्स का, ई डिपेंड करता है वी के ऊपर, ये वाई हो गया, जो ई डिपेंड करता है टी के ऊपर, ये हो जाएगा जेड, तीनों को साथ में लिख लो, ई प्रोपोर्शनल टू एफ वी टी एक्स वाई जेड। अब हमें पता है कि जो एनर्जी जो होता है इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m1 l2 t1 h, सबका फॉर्मूला पता है हमको, तो यहाँ पर e प्रपोर्शन लगाया, k लिखा, यहाँ f x v y t z, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले वाला जब पहले जैसे अपन करते हैं वैसे ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। e जो है इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा m1 l2 t-2, k को ऐसे रहने दो, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल सकते हो, नहीं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको डालो फोर्थ इसको डाल सकते हो, सिंपल सी बात है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 l1 t-2, ऊपर लगा हुआ x, x लगा दो छोड़ दो, वेलोसिटी का होता है l1 t-1, यहाँ लगा दो y, इसलिए मैंने डायमेंशन करवाया, सबका याद होना चाहिए, फोर्स वगैरह का बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, वेलोसिटी का एक्सीलेशन का इनका बार बार आता है, टाइम का होता है t1 और ये ऊपर लग जाएगा z। चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं, m1 l2 t-2 इसको यहीं छोड़ दो, k लिख दो, पावर जो लग रहा है इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो m ये x हो जाएगा, l x हो जाएगा, t-2x हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, l y हो जाएगा, t-y हो जाएगा, क्योंकि इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, t यहाँ हो जाएगा, वन ही हो जाएगा z। अब हम देखना m वाला टर्म कौन सा है, l वाला है और t वाला, अलग अलग कर दो तीनों को, m यहाँ भी है, क्या m आगे है, नहीं है, तो m x हो जाएगा, l यहाँ है और कहीं है क्या, l यहाँ है, y है, ठीक है, l x, ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये x प्लस y, क्या t कहीं मिल रहा है, क्या t मिल रहा है, तो यहाँ किस में x में माइनस टू एक्स, यहाँ किस में माइनस वाई, यहाँ किस में जेड में, तो ये t की वैल्यू हो गई m1 l2 t-2, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इसको तो निकालना बहुत आसान है, इसको इधर से निकाल दो, इसको इधर से निकाल दो, मैं यहाँ करता हूँ सॉल्व इसको, इसी क्वेश्चन को आगे करते हैं अपन सॉल्व, m की पावर कितना है x और m की पावर कितना है 1, तो m1 = mx, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। चलो एक प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हुई, x की वैल्यू 1 आ गई, अब निकालते हैं अपन y की वैल्यू, तो y निकालने का अपन एक काम करते हैं, यहां कितना है l x प्लस वाई या l2, l2 इक्वल टू l x प्लस वाई, मतलब 2 इक्वल टू x प्लस वाई हो जाएगा, और क्या आपके पास y की वैल्यू, बिल्कुल है y की वैल्यू, x सॉरी x की वैल्यू कितना है 1, तो 2 इक्वल टू 1 प्लस वाई, इसको इधर भेज दूं, 2 माइनस 1 इक्वल टू y, मतलब y की वैल्यू भी आपके पास आ गई, एक y की वैल्यू आई है, एक x की वैल्यू है, अब निकालना है अपन को z, तो इसी टर्म पे आना पड़ेगा, तो यहां लिखा हुआ है t माइनस टू और इसके इक्वल टू में जो t है, देखो यहाँ t है तो यहाँ t रखना है अपन को, यहाँ l है तो यहाँ पर l, यहाँ m तो यहाँ पर m, और अपन ने जैसे इधर उधर थे इसमें, यहाँ एल एक्स था, यहाँ एल वाई था, ये प्लस का है तो l दोनों का बेस सेम है इसका, l l है, तो x प्लस वाई को ऐड कर दिया मैंने यहाँ पर, यहाँ t माइनस टू एक्स है, यहाँ t माइनस वाई है और t यहाँ पर जेड, तो देखो t दोनों इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, पहले t लिख लिया अपन ने, माइनस टू एक्स को यहाँ लिख लिया, फिर प्लस लगाया, यहाँ पर क्या है माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, यहाँ जेड किसका है प्लस का, तो प्लस लगा दिया, ओके क्लियर, टी माइनस टू, टी माइनस टू इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, देखो ये आ रहा टी माइनस टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड, अब ये पूरा इसके बराबर हो जाएगा, मतलब माइनस टू इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अपन क्या करते हैं यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट करते हैं, क्या क्यों x की वैल्यू है यस 1 है और y की वैल्यू भी 1 आ रही है हमारे पास, 2 माइनस 1 1 ही होता है यार, ये लो 1 हो गया, तो माइनस 2 तो यहाँ रहेगा, ये माइनस 2, x वैल्यू कितनी है 1, माइनस लगा दो y की वैल्यू कितनी है 1, प्लस लगा दो z, ये माइनस 2 हो गया इक्वल टू, ये कितना हो गया माइनस 2, ये हो गया 1, प्लस का आ गया z, माइनस 2 माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 3 प्लस जेड, अब ये माइनस का 3 जरा के प्लस में हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू जेड, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब हमारे पास बच्चों एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू 1-1 आ रही है, मतलब ये फॉर्मूला अपन क्या बना सकते हैं यहां से, मैं लिख सकता हूं इसको e इक्वल टू k की वैल्यू 1/2 को कॉन्स्टेंट मान लो, इसको कुछ भी लिख लो k, f की वैल्यू कितनी है f, ऊपर क्या लगाया हुआ है x, अब जो x की वैल्यू आपके पास में है उसको यहाँ पुट करना है, कितना आया 1 तो यहाँ 1 लगा दिया, v ये y है, y की वैल्यू कितनी निकाली है अपन ने 1 तो 1 आ गया, t z का वैल्यू कितना आया है हमारे सामने 1 आया तो z की वैल्यू पुट कर दो, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चन में हमें एनर्जी की टर्म में निकाला, देखो एनर्जी की टर्म में ये वाला फॉर्मूला निकल रहा है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे।